रामायण में राम और लक्ष्मण दिखाए गए। तो लक्ष्मण ने जो रेखा पिता के लिए बनाई थी पार नहीं जाना, वो आगे में पार कर दी थी कलर कैंडी के टाइम में और जा रही है लक्ष्मण रेखा। हाँ जी हाँ, तो ये जो लक्ष्मण रेखा है लक्ष्मण को मैंने और ये बांध दिया है और उनकी जो उर्मी का पति है उनको तुमने लक्ष्मण रेखा दी थी, उन्होंने पार नहीं की थी तो उसको कैंसिल कर दिया। राम भगवान को कहा जाता है, दशरथ के बेटा को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान ने रास्ता बताया, कोई के जीवन में बंधन नहीं डाला। क्या रेखा नहीं खींच दी? जो रेखा खींचने का काम है वो लक्ष्य प्राप्त करने वाले का काम है। विष्णु का लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? ब्रह्मा तो विष्णु। तो रामायण में चाहे महाभारत में चाहे भागवत में दोनों आत्माओं को साथ साथ दिखाया गया है। कौन कौन सी दोनों आत्माएं? राम और कृष्ण। लक्ष्य को जिसने प्राप्त कर लिया आखरीन, लक्ष्य क्या है? हाँ, नारायण बनने का लक्ष्य है, लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है, लेकिन उससे प्राप्ति क्या है? लक्ष्मी नारायण बनने से क्या प्राप्ति है? अरे कुछ काम किया जाता है, कुछ प्राप्ति के लिए किया जाता है। हाँ, तो राम को ज्यादा सुख मिलता है या कृष्ण वाली आत्मा को ज्यादा सुख मिलता है? चैन की बंसी संगम युग में कौन बजा के रहता है और सतयुग में भी चैन की बंसी कौन बजाता है? कृष्ण वाली आत्मा। तो आत्मा का जो लक्ष्य है क्या? सुख स्वरूप रहना। इसलिए कृष्ण कहो विष्णु कहो, नारायण का सुख स्वरूप लक्ष्य कहो, वो लक्ष्य है मनुष्य आत्मा का। वो लक्ष्य विष्णु को दिखाया गया है। इसलिए लक्ष्मण ने वो रेखा खींची है, इसको क्रॉस नहीं करना, और उस रेखा को क्रॉस करने वाली सच्ची सीता होती है या मेटल की बनाई हुई सीता होती है? आर्टिफिशियल सीता होती है जो रेखा को क्रॉस कर लेती है। सच्ची सीता के लिए तो पहले ही बोल दिया, तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचरनासा, तुम योग अग्नि में समा जाओ, तब तक मैं निश्चरों का विनाश करता हूँ। कोई ऐसा होता है? कोई ऐसा मनुष्य है, ऐसा होता है जो श्रीमत की लीका को पार न करता हो, एक को छोड़ करके? पवित्रता की लीका को क्रॉस न करता हो,
एक है वो राधा के रूप में गाया हुआ है, बाकी सात क्राफ्ट करते हैं। हाँ, शिव बाबा के मंदिर में गुलाब के फूल या कमल के फूल चढ़ाते नहीं। क्या ये ये किसने कहा? श्रावण के महीने में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ श्रावण के महीने में, और वहाँ गुलाब के फूलों से ही सारा मंदिर और लिंग सजा हुआ होगा। कई मंदिर में तो चढ़ाते ना, तो आपने देखा नहीं ठीक से। उस महीने में जाओ जहाँ 24 घंटे जिस महीने में ज्ञान की बरसात ही बरसात होती रहती है, श्रावण का महीना, वहां सोमवार के दिन स्पेशल शिव के मंदिरों में गुलाब के फूलों से सजावट होती है, बाकी दिनों में अक के फूल, धतूरे के फूल, गंदे गंदे फूल भी चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, कांटों वाला धतूरा भी चढ़ाते हैं। तो वो सब प्रकार का भोग ग्रहण कर लेता है, क्योंकि सब पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए ऐसा नहीं है कि शिव के मंदिरों में गुलाब के फूलों से सजावट नहीं होती है। और उसने स्वयंभू को वर्ण किया या लक्ष्मण को वर्ण किया? लक्ष्मण में शिव आता है या राम में शिव आता है? तो बात ही गलत हो गई। और जोर से बोलिए, राधा को उर्मिला बताया? किसने बताया राधा को उर्मिला? हाँ, क्या रेखा डाल दी थी? अरे वो तो महलों में रहती थी, कांटों के जंगल में थोड़े ही थी। जो उसको रावण उठा ले जाने का डर है, उर्मिला जंगल में रही थी क्या? ये दुनिया तो कांटों का जंगल है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसको माया रूपी रावण उठा के न ले जाता हो। और माया किसी को नहीं छोड़ती। हाँ जी, हाँ जी, जब सतो प्रधान स्टेज होगी ज्ञान की, तो खुशी और उमंग उत्साह ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? विघ्न बाधाएं ज्यादा होने के बावजूद भी ईश्वर के कार्य में सहयोगी ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? तो यज्ञ के आदमी क्या हुआ था? बेसिक नॉलेज तो थी है? लेकिन जो भी बेसिक नॉलेज थी उसमें उमंग उत्साह था या नहीं था? था। बाद में उमंग उत्साह कम होता जाता है, ऐसे ही एडवांस नॉलेज में। जो भी एडवांस में आते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, गर्भ में पकते हैं 7-8-9 दिन, वो उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? और अति का करते हैं। फिर बाद में अवस्था धीरे धीरे नीचे उतरती जाती है। तो ये चार अवस्थाओं से ज्ञान भी पसार होता है। कोई भी चीज का जितना जास्ती विस्तार होता जाएगा उतना उसका सार छिपता जाता है।
वृक्ष बड़ा होता जाता है, बीज गुप्त होता जाता है, लास्ट में जाकर के फल पकता है और फल के अंदर बीज पक जाता है। जब पक जाता है तो फल से डिटैच हो जाता है। जब तक फल से, पत्तों से, वृक्ष से, टहनियों से वो बीज डिटैच न हो जाए तब तक वो बीज संपूर्ण नहीं होता है। बीज बाप को कहा जाता है, बाप है ऊंचे से ऊंचे। बाकी पत्तों को ऊंचे से ऊंचे नहीं कहेंगे, न टहनियों को कहेंगे, न जड़ों को कहेंगे। हाँ जी, कोई कोई बच्चे वैश्विक राज्य होंगे तो उनका कुछ अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा, धर्मराज की सजाएं न खाने वाला होगा। अरे सजाएं खाने वाले होंगे क्या? नहीं। हाँ है, ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए कि जब से अंजाम करें कि हमें बाप मिल गया, हम पवित्र रहेंगे, एक बाप दूसरा न कोई, तो उस अंजाम को कभी भी मनसा में, वाचा में, दृष्टि में, वृत्ति में, कर्मेंद्रियों में तोड़े नहीं। अगर तोड़ दिया तो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है। 100 गुना पाप चढ़ेगा तो पुरुषार्थ में हल्कापन महसूस होगा या भारीपन महसूस होगा? भारीपन आ जाएगा। है चढ़ाई नहीं जाते। ये जो प्रश्न है अभी भाई ने पूछा ना कि शिव बाबा के मंदिर में गुलाब की फूल नहीं चढ़ाई जाती। शिव बाबा की मुरली में? ये भाई ने गलत प्रश्न पूछा। हाँ क्लास में एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, लेन देन करते हैं, तो इससे साबित होता है क्या कि विश्व पार्टी मिल जाए? ये कोई बात नहीं होती है, तो पक्का प्रूफ नहीं है इस बात का। हाँ और हाँ बाप दूसरे धर्म में राजा की स्थापना करने जाता है तो लक्ष्मी क्यों जाएगी? बाप तो सब धर्मों का बाप है। जो माँ भारत माता है वो सब धर्मों को गोद में खिलाने वाली है क्या? है हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो कि जो माता है वो सब धर्मों को गोद में लेकर खिलाने वाली है क्या? वो तो भारत माता है। हाँ जगत माता के लिए कह सकते हैं कि जो जगत माता का पार्ट है वो सब धर्मों की आत्माओं को अपनी गोद में खिलाने वाली है। तो वो माता रुद्रमाला की बीज है, बाप भी रुद्रमाला का बीज है, तो उनके लिए संभावना हो सकती है, भारत माता के लिए संभावना नहीं है। और शांति धाम में स्वधर्मी बच्चे ही जाएंगे, बेधर्मी नहीं जाएंगे। हैं? शांति धाम में तो चाहे जो भी बन सके हों सबको जाना ही जाना है।
स्वधर्मी बच्चे होंगे। स्वधर्मी का मतलब आत्मिक स्थिति वाले ही होंगे, देह की स्मृति वाले कोई भी नहीं होंगे। भले वो अपने पुरुषार्थ से आत्म स्थिति को धारण करें अथवा धर्मराज के दंडों से आत्म की स्थिति को धारण करें, लेकिन स्वधर्म में स्थित हो करके ही जावेंगे, वरना नहीं जावेंगे। और बाबा दशरथ मानो दशरथ है, वो तो दस धर्म के हो गए, बिल्कुल हो गए। राम तो सूर्यवंशी है, राम सूर्यवंशी है। राम जो है भक्ति मार्ग में दशरथ का बेटा गाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ के आदि से लेकर के और अर्थक तक, जब तक ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब तक दसों धर्म के आधार मूर्त यज्ञ में आ चुके थे, वही दशरथ है। वो चाहे इस्लाम धर्म का नारायण हो, फाउंडर हो, चाहे बौद्ध धर्म का फाउंडर हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म है या कोई भी धर्म का फाउंडर हो, हर धर्म के फाउंडर बेसिक में ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में ही आ चुके थे। बाद में राम वाली आत्मा बेसिक में आई तो किसका पुत्र हुई? दसों का पुत्र हुई। रथ माने शरीर धारी। और किन आत्माओं को जो विरोध करती है, माने जो ग्लानी के निमित्त बनते हैं वो ही चौथी अवस्था में गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, सुनाने वाले नहीं गिरते हैं। कोई भी प्रकार का विघटन पैदा होता है संगठन में तो उसका कारण कौन बनते हैं? नहीं, इंप्योरिटी तो है कारण, वो तो एक गुण अवगुण की बात हो गई, लेकिन कारण बच्चे ही संगठन वाले बनते हैं, कोई दूसरा बनता है? हम बच्चे ही कारण बन जाते हैं जो हमारी यूनिटी टूटती है। अगर हमारे अंदर 100% सहनशीलता बनी रहे तो कोई मन का टूट करके बाहर जावेगा? नहीं जावेगा। जो सहनशीलता है, सहयोग की भावना है, समाने की भावना है, उसमें कहीं न कहीं सरार आती है और वो ही खिसक के बाहर चली जाती है, किला टूट जाता है। कोई भी कमी, कोई भी विकृति दूसरों में नजर आती है तो किसकी समझना चाहिए? हमारी अपनी कमी है। हम संपन्न बन जाएंगे तो हमारी सारी दुनिया संपन्न बन जाएगी। हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है, तो सितारा निमित्त बन जाता है अपनी दुनिया के लिए। इसलिए जो भी संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले हैं, उनके अंदर कोई कमजोरी दिखाई पड़ती है, उस कमी को, उस कमजोरी को हम क्या समझें? मेरी कमजोरी है, ढूंढना है वो कमी मेरे अंदर कहाँ है जिसके कारण ये विघटन हो रहा है, है? परिवर्तन तो याद से ही होता है,
जितना हम सहिष्णुति में रहेंगे उतना परिवर्तन होगा, परचिंतन में रहेंगे तो जो नई दुनिया का परिवर्तन चाहते हैं वो नहीं होगा और ही पुरानी दुनिया बनती जाएगी। हाँ शिव बाप ब्रह्मा के तन में आया आया ना है, साहूकार था या गरीब था? तो जो ब्रह्मा साहूकार था उसके तन में आया तो ब्रह्मा इस दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार विश्व का मालिक प्रत्यक्ष हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर भगवान तो कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, लोग कहते हैं साहूकार में आया और गरीब निवाज कहां से हुआ? तो क्या जवाब देते हैं आप? अरे इसका कोई जवाब परिहार देते हैं कि नहीं है? नहीं। हाँ बाप आया तो, लेकिन बाप के रूप में नहीं आया, किस रूप में आया? माँ के रूप में आया। वास्तव में बाप बाप बनकर के जब आता है, गरीब निवाज बनकर के आता है तो गरीब में ही आता है और गरीब के पास कुछ भी नहीं होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको 5 ईयर प्लान जो ईश्वरीय प्लान एक ही बार बनता है, वो आसुरी प्लान तो बार बार 5 ईयर बनते ही रहते हैं, कभी पूरे होते ही नहीं। और ईश्वरीय 5 ईयर प्लान एक बार ऐसा बनता है कि वो गरीब बच्चा गरीब से क्या बन जाता है, फुल बैगर से फुल प्रिंस बन जाता है। पहले इतना गरीब कि घर घर में ठोकरें खानी पड़ती हैं, फिर भी उसको कोई देने वाला नहीं निकलता। और 5 साल पूरे होने के बाद उसके दर पर 7 चक्कर काटते हैं, वो फुल बैगर टू फुल प्रिंस बन जाता है। जो प्रिंस होता है उसको किसी के दरवाजे पर चक्कर काटने की दरकार नहीं पड़ती। तो सैंपल सामने आ गया कि स्थूल रतन धारण करने से साहूकार कहा जाता है और स्थूल रतन न धारण करने से गरीब कहा जाता है। यह है ज्ञान के रतन। तो राम वाली आत्मा क्या धारण करती है? ज्ञान रतन धारण करती है। स्थूल में तो कुछ भी नहीं होता, कुछ होता है? मैं लो मानिया हाथ आ रही है, कुछ होता है? कुछ भी नहीं। फिर वो ज्ञान रतन 5 साल पूरे होने के बाद क्या ऐसी शिष्ट आ जाती है? जो स्थूल रतन बन जाते हैं उसको कहीं भीख मांगने की दरकार नहीं है। नहीं समझ में आया? अरे प्रश्न किसका था? प्रश्न समाधान नहीं हुआ? हाँ, हर बच्चे की जिंदगी के लिए ये बात है, जितना ज्ञान रतन धारण करेगा उतना दुनिया के बीच में चमकता हुआ सितारा बनेगा। अरे जब राम वाली आत्मा के लिए समय आ सकता है 5 साल के अंदर, तो नंबर बार दूसरों के लिए नहीं आ सकता? जरूर आएगा। और है क्लियर करके पूछो एक बात को, तुमको रामायण की कथा थोड़ी सुनाई जाएगी। क्या पूछना चाहते? आगे जो चला
निमित्त गीता पाठशाला है, उसको लक्ष्मी नारायण बन के रहना है। लक्ष्मी नारायण बन के अगर रहता है तो जो भी मंदिर में आने वाले हैं वो क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण जैसे ही बनेंगे। सैंपल उनके सामने है, जैसा सैंपल होगा वैसे ही तैयार होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बनाता है, गीता पाठशाला खुली हुई है, बच्चों की भी शादी हो रही है, बच्चे घर में भी रह पड़े हैं, घर में गंद भी हो रहा है, उल्टा पलटा खाना भी खाया जा रहा है, वातावरण बिगड़ रहा है, अपने घर के बच्चे ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, बाहर के बच्चों को ज्ञान में चलाया जा रहा है, तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ जाएगा? किसी दूसरों को नहीं देखना है, जो निमित्त है उस निमित्त की पहली जिम्मेवारी है। स्टूडेंट तो नंबर बार ही होते हैं, एक जैसे होते हैं वो तो नंबर बार ही होंगे। कोई थर्ड क्लास होंगे, थर्ड क्लास पुरुषार्थी, कोई फोर्थ क्लास पुरुषार्थी, कोई फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं। हाँ, जो झाड़ का चित्र है वो सब धर्म वालों के लिए है। झाड़ में सब धर्मों का जिक्र है और सीढ़ी के चित्र में सिर्फ भारतवासियों का जिक्र है। और नहीं, दो चार हैं। ज्ञान के सागर सात सागर हैं, संसार में सात सागर गाए हुए हैं या एक ही है? सागर सात हैं, लेकिन सब आपस में मिले हुए हैं। जब जलमय होगी तो सारे सागर मिलकर के एक हो जाएंगे, माने सातों सागर का जल एक में तिरोहित हो जाएगा। कोई की अपनी अपनी संकल्प सरणी नहीं रहेगी, सबका संकल्प एक में समा जाएगा। जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा हो गया। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? सात नारायण नहीं है, सात नारायण नहीं है, सात देवता नहीं है। अरे दिगपाल आठ गाए हुए हैं ना, नवरत्न गाए हुए हैं, एक है मोस्ट वैल्यूबल, एक है नॉन वैल्यूबल। और नीचे हाँ, जब गोला मिल जाएगा, स्वर्ग का गोला जब मिल जाएगा, तो जिसकी बुद्धि में नई दुनिया की खाका आ गया, प्लानिंग आ गई, माने एडवांस नॉलेज आ गई, जिसकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज आ जाएगी, वो कागज की मुरली को महत्व देगा या नई दुनिया की जो प्लानिंग बुद्धि में आ गई उसको महत्व देगा? ये बुद्धि रूपी हथेली है जिसमें नई दुनिया की प्लानिंग आ जाती है। जब प्लानिंग आ गई तो कागज की मुरली को उतना महत्व नहीं रहता है। और
जबकि जो आठ मंडल है बाबा सके आठो नारायण आपने प्रैक्टिकल कार्यक्रम पूरा कर दी। सात बंदर से हैं मनुष्य के बनाए हुए और आठवा मोस्ट वंडरफुल है बाप का बनाया हुआ बंदर स्वर्ग हेवन। उसको देखने के लिए सारी दुनिया लालायित रहेगी। जैसे उन सात वंडर्स को सारी दुनिया नहीं देख पाती, जानते हैं कि दुनिया में सात अजूबा गरूबा सात वंडर्स हैं, लेकिन सब तो नहीं देख पाते। ऐसे ही जो बैकुंठ रूपी वंडर है, स्वर्ग रूपी वंडर है, बहिष्ट है, वो सब मुसलमान भी नहीं देख पाएंगे। पैराडाइज सब क्रिश्चियन से नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी देखने के लिए सब लालायित जरूर रहेंगे। जो देखते हैं उनके द्वारा गायन चलता है। हाँ तो कोई बात नहीं, बाप के साथ संगठन करें अमृत वेले उठ करके है अमृत वेले करते। हाँ तो अमृत वेला करेंगे सब कुछ हो जाएगा, फिर तो कोई चिंता ही नहीं। जो चाहे सो कर सकते हैं। आधर कुमारों के लिए बोला हुआ है कि आधर कुमार हैं युगल स्वरूप, और युगल स्वरूप जो फर्स्ट क्लास होता है उसे लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। जो लक्ष्मी नारायण की तरह सैंपल बन करके रहेगा वो सारी दुनिया के लिए सैंपल है। आगे चल करके युगलों की बहुत महिमा निकलेगी। नहीं बोला है अपनी बात तो बोली जाती है। क्या समझा? राहु की दशा। हाँ जो धर्म है उन धर्मों के फाउंडर हैं। कोई ऊंचे से ऊंचे धर्म है और कोई नीचे से नीचे स्टेज में आने वाले धर्म है। कोई की धारणाएं ऊंचे से ऊंची हैं। मनुष्य को नारायण बनाने वाली धारणाएं, देवता बनाने वाली धारणाएं, और कोई की धारणाएं ऐसी हैं जो राजा से रंग बनाने वाली धारणाएं हैं। जैसे आर्य समाजी है, उन्होंने सब राजाओं को खलास कर दिया, राजाएं खलास कर दिए और किसका राज्य बन गया? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बन गया। बाबा कहते ये तो बेकायदे राज्य है। तो वो हो गई राहु की दशा और वो हो गई दक्षपति की दशा। हाँ जी दिखाया नहीं है और उनके प्रति जो लोग उनको जवाब देना नहीं आया, वो भी धर्म के सनातन धर्म के क्यों नहीं बताएंगे? सनातन धर्म के सनातन धर्म वालों ने इंद्रियों को जीता या दूसरे धर्म वालों ने इंद्रियों को जीता तो क्यों नहीं बता पाते? हाँ हाँ देवता धर्म में से नहीं निकला, देवता धर्म ही जैन धर्म है। जित
इंद्रियों को जीता। देवताओं में कोई ऐसा देवता प्रसिद्ध है जिसने मुख्य काम इंद्रियों को जीत लिया? तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, फिर क्यों ऐसा कहते हो? अपना बाप ही नहीं दिखाई पड़ता तो कौन से धर्म के हो? सनातन धर्म। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात? हाँ, जिन धर्म जो है इंद्रियों को जीतने वाले को जिसने फॉलो किया वो ही जैन धर्म के हैं, अलग से दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सनातन धर्म ही जैन धर्म है। और भारत में जितने भी धर्म पनप रहे हैं उन सब धर्मों के बीच में कौन से धर्म के लोग हैं जो ज्यादा सरसब्ज हैं? है जैन लोग। क्यों? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और बीस ही क्यों कह दिया, 25 क्यों नहीं कहा? ये 20 कहाँ से निकाल लिया? अरे ये 20 कहाँ से निकाल लिया, 25 क्यों नहीं कहा? अच्छा 20 आ ही नहीं सकती हम कहें तो है? अच्छा, माने हर धर्म में बराबर बराबर आत्माएं होती हैं क्या? है हर धर्म में नीचे से नीचे मणके भी होते हैं और हर धर्म में ऊंचे से ऊंचे मणके भी होते हैं। तो जो नीचे से नीचे मणके हैं वो सृष्टि के अंत काल में प्रत्यक्ष होंगे या पहले प्रत्यक्ष होंगे? सूर्यवंशियों में भी अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे भी हैं। है जी, है? हाँ हाँ, ये किस आधार पर बंटवारा कर दिया? जनसंख्या के आधार पर बंटवारा कर दिया? है? हाँ जी, 9 धर्म की नहीं है, 9 सूर्यवंशी धर्म की है। जो 4.5 लाख है वो 7 सूर्यवंशी बनेंगे, दूसरे धर्म के नहीं कहे जाएंगे, पक्के सूर्यवंशी बन जाएंगे। हाँ, नंबरवार तो होगी, जैसे जैसे पुरुषार्थ वैसी वैसी प्रत्यक्षता। अव्वल नंबर है तो अव्वल नंबर में प्रत्यक्षता होगी, लास्ट नंबर है तो लास्ट में प्रत्यक्षता होगी। हर धर्म को लास्ट तक चलना है। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भी लास्ट तक उतरती है या नहीं? उतरती है। और है? प्रेसिडेंट है बाप, और जो प्रधानमंत्री हैं और अलग अलग मंत्री हैं वो बच्चे हैं। क्यों? ज्ञान में प्रेसिडेंट नहीं होगा? ज्ञान में धर्मराज नहीं होगा? ज्ञान में धर्मराज भी है, बड़े से बड़े कोर्ट का चीफ जस्टिस भी है, तो प्रेसिडेंट भी है। में
हैं? जैसे बाजू में राष्ट्रपति लिया करते थे। क्या करते हैं राष्ट्रपति? हाँ हाँ, वो माफ कर देता है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको फिर बंधन में डाल देता है। हाँ, और राम बाप को तपस्या करने की जरूरत पड़ेगी माउंट आबू में। माने राम बाप वाली आत्मा अष्टदेव में नहीं है? अरे है? हाँ, तपस्या उनको करनी पड़ती है जो अधूरे होते हैं। नारायण को अधूरा कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे? है? संपूर्ण कहेंगे। हाँ, कोई कोई की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ होता है, वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तो 18 के बाद भी ऐसे ही होगा, बहुतों को वो संपूर्ण संपन्न जो गॉड फादर है वो दिखाई नहीं देगा। और हाँ, क्या करेंगे, काहे के लिए दाबे बैठे? अरे किसी ने कहा दाब के बैठो? बाबा तो कहते हैं किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा, किसकी आग जलाए, निकालो जल्दी से। है? हाँ, नहीं चाहिए, क्यों नहीं दबा के बैठे हुए? हाँ हाँ, स्थूल रतन धारण करो, इसको ज्ञान रतन धारण करो ना। बाबा कब कहते हैं कि स्थूल रतन धारण करो? है, ऐसा क्यों होगा? विश्व का मालिक बनाने के लिए होगा। एक बाप बनेगा क्यों? बाप क्या विश्व की बादशाह लेता है? है, वो तो बेताज बादशाह है, वो कोई विश्व की बादशाह नहीं लेता है, वो बच्चों को देता है। बच्चे ही नंबर वार अधिकारी बनेंगे राज्य के, कोई विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे, कोई किसी दिशा के अधिकारी बनेंगे, कोई किसी दिशा के अधिकारी बनेंगे। हाँ? पैसा, पैसा यूज, पैसा यूज न भी करें, आज भी बहुत से सन्यासी होते हैं एक भी पैसा अपने हाथ में नहीं रखते और उनके पीछे पीछे 10-20 चलते रहते हैं, पैसा ले लो पैसा ले लो। तो झूठे सन्यासी होते हैं, उनके पीछे पीछे होते हैं पैसा देने वाले। तो जो सच्चा होगा, बेहद का सन्यासी होगा, उसको पैसे की कमी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। है? ये तो पूछने की बात है, आपके पूछने की बात, जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा है वो पूछेंगे, जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वो तो ईश्वर सेवा में लगाएंगे। है? वो दूसरों का भी हड़प के अपने पास रखेंगे, आओ ले आओ अपना भी लाओ, हमें बैंक में रख दो। हम दमदार बने रहे, भगवान के हक का भी होगा वो भी कहेंगे लाओ ये भी लाओ, हम भी जैसे दबा के रखे। कौरवों ने क्या किया था? पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में दबा के रख लिया और अपना भी अपनी मुट्ठी में रखा। और है हाँ,
हाँ जी, हाँ जी, परीक्षा लेने वाला ज्यादा ही पढ़ा लिखा होगा, कम पढ़ा लिखा होगा कि ज्यादा पढ़ा लिखा होगा? ज्यादा ही पढ़ा लिखा होगा है? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं। और इंडियन क्या? दूसरे ग्रह के ऊपर वो एलियंस करके आते हैं, दूसरे ग्रहों के ऊपर क्या दिखाई देते हैं? उड़न तस्तरिया, उड़न तस्तरिया कुछ भी नहीं होती है, ये भूत प्रेत लीलाएं हैं जो उड़न तस्तरियों के रूप में देखने में आती हैं। ऐसे नहीं है दूसरे ग्रहों पर कोई जीव जंतु हैं जो जिंदा रहते हैं, जीवन है, नहीं। यहाँ के मनुष्य ही जो ज्यादा पाप करने वाले हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं, वो भूत प्रेत के रूप में अपने कर्ष में दिखाते रहते हैं। होता कुछ भी नहीं है, भय का भूत होता है। इसका मतलब जब चैतन्य ग्रह टकराएंगे तो स्थूल ग्रह भी टकराएंगे। निमित्त पुरुषार्थ करने वाले चैतन्य हैं या जड़ हैं? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़ में ज्यादा ताकत होती है? जैसे दो चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा, कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है? लेकिन अभी क्या देखने में आता है? अभी दुनिया में पांच तत्वों का देह का बोलबाला है, देहधारियों का बोलबाला है, या जो आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले हैं उनका बोलबाला है? तो ऐसे ही जो स्थूल नवग्रह हैं वो हैं जड़त्वमयी, उनका बोलबाला ज्यादा है। वो तब तक बोलबाला रहेगा जब तक जो चैतन्य नवग्रह आत्माएं हैं वो संपन्न स्टेज को धारण नहीं करती। और अभी तुम चैतन्य के द्वारा मुझे नहीं लग दिख सकते हो क्या? अभी तुम चैतन्य के द्वारा मुझे दिख नहीं सकते हो, लेकिन तो चैतन्य मुझे तुमसे झगड़ा करने क्यों नहीं झगड़ा करेंगे? चैतन्य लिखोगे तो चैतन्य में वो आत्मिक स्टेज धारण कर ली है। जब आत्मिक स्टेज ही धारण नहीं की है तो लिखोगे कैसे? हाँ, हाँ, चैतन्य टकराएंगे तो जड़ भी टकराएंगे है? क्या पूछ रहे? फिर ये कैसे आ जाएंगे? जो टकराते हैं और टकरा टकरा के चूर चूर हो जाएंगे और एक में ही सब समा जाएंगे, तो ऐसी भी तो स्थिति आएगी जब एक में से अनेक पैदा होंगे, आएगी। जैसे चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो गया, आधा विनाश दुनिया का हुआ और चंद्रमा अलग हो गया, ऐसे और ग्रह भी अलग हो जाएंगे। जैसे सब धर्म मिलकर के एक सनातन धर्म में समा जाएंगे, सनातन धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें सब धर्मों के बीज हैं या नहीं है? है? ऐसे ही वो स्थूल ग्रह है एक में समा जाएंगे।
जो एक सबसे बड़ा ग्रह है जिसे बृहस्पति कहा जाता है, और ग्रह सब छोटे छोटे हैं। तो जब छोटे छोटे बड़े से टकराएंगे तो कौन बचेगा? बड़ा वाला बचेगा। बंदर हैं चारों तरफ से, एक हाथी को घेरते हैं, खौं खौं करते हैं, अहंकार में आकर के घुड़की मारते हैं। किसको? हाथी को। हाथी तो अपने सीधे जाता है, ध्यान नहीं देता, लेकिन वो अगर कान पे चढ़े सर पे चढ़े तो फिर टकराएगा ना। जो टकराएगा तब क्या करेगा? एक एक बंदर को उठा के खेल खलास कर देगा। इसलिए बाबा भी मुरली में बोलते हैं, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। है शनि ग्रह, इब्राहिम का पाठधारी है। क्या प्रूफ है? अरे अभी कहते इब्राहिम का पाठधारी, फिर कहते कौन सी पाठधारी? अनुमान क्यों लगाते हो? है काला, काला दिखाते हैं तो काले तो सारे ही बनते हैं। ऐसा कौन है जो काला तमो प्रधान नहीं बनता है? है जी, हाँ, जिसमें क्रोध होता है उस क्रोधी से बाप मिलकर के रहता है, फिर वो सूर्य ज्ञान सूर्य बाप को विरोध करता है या सहयोग करता है? है विरोध करता है। सूर्य से जो विरोध करेगा तो अंधेरे में रहने वाला साबित होगा या उजाले में रहेगा? अंधकार पैदा करने वाला हो जाता है। उसके दो फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, जिनको जहिया और सार साथी कहा जाता है। क्या? देखने में छोटा है लेकिन ढाई गुना असर करता है। वो देखने में बड़ा तो है, साढ़े सात गुना असर करता है, लेकिन फिर भी बड़ा देखने में आता है। बाबा राजा जगह तो वही जगह क्यों खरीद की होती उसमें आप प्रश्न करते, ये ना कि यही क्यों बनाई गई है? तो जो भी जगह निश्चित करता उस जगह के लिए प्रश्न पैदा होता। मतलब बहुत विशेष बात हो गई। हाँ तो अभी विशेष बात दिखाई नहीं पड़ रही है। जो विशेष बात हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में दिलवाड़ा मंदिर के लिए, वो अभी देखने में नहीं आ रही है। ये चैतन्य मोहरे वहां बिछाई नहीं जा रही है, हैं? अरे जो अपनी प्रॉपर्टी वहां खरीद खरीद के पैसा डाल के जिंदगी भर की कमाई डाल रहे हैं, उनकी बुद्धि कहां धरी रही थी? इसी जगह धरी रही तो मोहर बिछा दी ना। जिसके लिए बोला है मुरली में, ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा जड़ यादगार बना हुआ है, वही यादगार बना हुआ है जहां तुम तपस्या में बैठे थे। दो बी के थोड़े ही दिलवाड़ा मंदिर में तपस्या में बैठे थे। कौन बैठते हैं? एडवांस वाले तपस्या में बैठते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं वहां बैठने के लिए।
उनको तो वैल्यू ही नहीं है उसकी, और वैल्यू हो भी तो उनको खरीदने के लिए कोई देने वाला भी नहीं है। बाप का पार्ट धारी जिनके गर्भ में बाप आता है नहीं बाप आता है गर्भ में बच्चा आता है या बाप आता है खबर अरे अब तो तुम पैदरे बदलने लगे। अरे जो आप पीपल के पत्ते की कर रहे हैं वो तो पूरी करो, पैतरा बाद में बदलना। हाँ पीपल का पत्ता जगदम्बा सबसे बच्चा कौन दादा निर्दा वाली आत्मा सबसे बच्चा। तो रिजल्ट क्या पूछना क्या चाहते तू तो बताओ। कमल फूल की बात बाद में, पहले पीपल के पत्ते की बात बताओ क्या पूछना चाहते। पीपल का पत्ता जो है उसका आधार कृष्ण ने लिया। हाँ पीपल का पत्ता माता का आधार कृष्ण बच्चे ने लिया। कमल फूल कौन है? कमल फूल बाप है। पीपल का पत्ता सागर में जो विषय सागर है उसमें दिखाया गया। पीपल का पत्ता मैंने बहुत हल्की फूल की शरीर रूपी नैया है पुरुषार्थ करने वाली, ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं है, परंतु इतनी हल्की नवैया भी टिकी कैसे रहती है। सागर में तो बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, उन ऊंची नीची लहरों के बीच में वो हल्की सी नवैया कैसे टिकेगी, क्योंकि उसमें कृष्ण जैसी आत्मा बिठैया है और शिवैया शिवैया स्वयं पाप है। इसलिए नैया भले हिलेगी जुलेगी हिलती जुलती सबको नजर भी आ रही है, सब समझते हैं क्या हुआ डूब गई। लेकिन जिनको श्रद्धा विश्वास बाप के महावाक्यों पर अटल है कि बाप का अंजाम है नैया हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, अब चाहे वो पार्ट बाप ने जगदम्बा का डिक्लेयर किया हो चाहे गंगा का डिक्लेयर किया हो चाहे यमुना का डिक्लेयर किया हो चाहे लक्ष्मी का डिक्लेयर किया हो, पार्ट तो डिक्लेयर है या नहीं है डिक्लेयर हुए पड़े हैं, लेकिन दिखाई किसी को कुछ भी इन आंखों से नहीं पड़ता। फिर भी वो नवैया जो है उन सब के लिए बोला है, तुम सब द्रौपदियां हो, क्या हो द्रौपदी हो, तुम्हारा पद ध्रुव है अटल है कोई खत्म नहीं कर सकता। हाँ जी कुमारी कुमार उसे ही कहा जाता है जो जो चाहे सो कर सकता है, जो वरदान मिला हुआ है स्पेशल कुमार चाहे तो सारी दुनिया के ध्वंस के निमित्त बन जाए और चाहे तो सारी दुनिया में ध्वंस करके नई दुनिया की स्थापना करने वाले बन जाए, इससे बड़ा काम तो और कोई होता नहीं। तो कौन कुमार है वो बात 76 में कोई कुमार था या अगर कुमार था कुमार था
तो ऐसे तो नहीं कोई कुमार हो ही नहीं सकता ऐसा। और हाँ कुमार का मतलब ही है ब्रह्मचर्य युक्त जीवन। बहुतों को प्रश्न उठता है जब शिव बाप बड़े से बड़े कामी कांटे में आते हैं, पतित कन में आते हैं, तो वो अनुभवी हुआ या नान अनुभवी हुआ? अनुभवी हुआ। जो अनुभवी हुआ वो अनुभव कैसे हुआ? शादी तो की नहीं की? नहीं की। तो जब शादी नहीं की तो पतित कहां से हो गया? लेकिन बोला है दुनिया का सबसे ज्यादा पतन बुद्धि का आत्मा का होता है उपन्यास पढ़ने से अथवा फिल्म देखने से। मन बुद्धि का सबसे जास्ती पतन होता है। बुद्धि जब जास्ती पतित संकल्पों में रमण करती है तो शरीर की शक्ति का भी क्षीण का सबसे जास्ती होती है। स्त्रियों में भी होती है और पुरुषों में भी होती है। कुमारों में भी होती है और कुमारियों में भी होती है। बीमारी का नाम अलग अलग है। तो ये प्रश्न फालतू हो जाता है कि वो तो कुमार था, शादी तो की हुई नहीं थी, तो पतित कहां से हो गया? क्या पूछ रहे? ज्ञान में कैसे होता है? माने कृष्ण की राशि क्राइस्ट से नहीं मिलाई जाती? क्रिश्चियंस की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है? मिलाई जाती। कृष्ण की आत्मा कौन है? दादा लेख कौन? दादा लेखराज। तो दादा लेखराज जो क्राइस्ट की राशि से मिलते जुलते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई कुत्ता कोई बिल्ली पालने की हट की है या नहीं की है? की है। कुत्ते को भी पाला और बिल्ली को भी पाला। बिल्ली ने ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ जो भी दूध था वो सारा पी लिया। इतनी पीने में सिद्धहस्त थी कि एक मुरली को एक बार अगर सुन ले तो सारी की सारी मुरली बिना पढ़े ज्यों की त्यों सुना देती। बिल्ली में एक विशेषता होती है, सारा दूध पी जाती। और कुत्ता बच्चों को मिलता है, खाने को नहीं मिलता? कुत्तों को खाने को मिलता है, दूध वास मिलता है। और हिंदुस्तान के बच्चे भूखों चिल्लाते। वो यदि के आदि में हुआ जो पक्के भारतवासी थे वो यज्ञ छोड़ के चले गए, उनको मुरली नहीं मिली, मुरली के माँ बाप के नहीं मिले। और जो अयोग्य थे और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी, जो ब्रह्मा के हार्ट को फेल करने के निमित्त होने वाली आत्माएं थी, उन्होंने भूख दूध वास खाया।
ब्रह्मा शास्त्रों में दिखाया है कि असुरों को ही क्या देता था, वरदान देता था और देवताओं की मुसीबत पैदा हो जाती थी। जो भी एडवांस की बीज रूप आत्मा है वो देवता बनने वाली है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा मुसीबत के रूप में कौन खड़े हुए हैं? वही ब्रह्मा, वही जिन्होंने ब्रह्मा की गोद में दूध भात सबसे ज्यादा सिखाया है। न बाप को प्रत्यक्ष होने देते हैं, न बाप को खुद पहचानते हैं।